नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रही मीडिया टुडे टीवी। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने ग्रीस को तुर्की से बातचीत करने या दर्दनाक परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। इस्तांबुल स्थित एक अस्पताल के उद्घाटन के समारोह में एर्दोगान ने कहा, ग्रीस या तो कूटनीति की भाषा समझे और अगर उसे ये भाषा समझ नहीं आती तो युद्ध के मैदान में दर्दनाक परिणाम झेलने के लिए तैयार रहे। दरअसल तुर्की का जहाज ओरुक भूमध्य सागर में तेल और गैस की खोज जिस जगह में कर रहा है, ग्रीस और साइप्रस ने उस क्षेत्र को अपना बताया है। ग्रीस और साइप्रस ने भी नक्शे और अपने दस्तावेजों में उस समुद्री क्षेत्र को अपनी सीमा में शामिल कर रखा है। एर्दोगान ने उन क्षेत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि तुर्की ये समझाना चाहता है कि तुर्की ऐसे नक्शों और दस्तावेजों को फाड़ के फेंकने की हिम्मत और ताकत रखता है। ऐसा करने के लिए हमारे पास राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति है। तुर्क राष्ट्रपति ने ग्रीस को चेतावनी देते हुए कहा कि तुर्की और तुर्क हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे मीडिया टुडे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। तुर्की और ग्रीस दोनों ही नाटो के सदस्य हैं और दोनों देशों के बीच भूमध्य सागर के इलाकों और वहां मौजूद ऊर्जा स्रोतों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। तुर्की विवादित क्षेत्रों में गैस की खोज कर रहा है और तुर्की का एक जहाज भूमध्य सागर में ऊर्जा की खोज कर रहा है जिसे तुर्की की जल सेना सुरक्षा प्रदान कर रही है। हाल ही दिनों में तुर्की के युद्ध पोतों का ग्रीस और फ्रांस के सैन्य जहाजों से आमना सामना हो चुका है, लेकिन तुर्की के जंगी जहाजों को देखकर ग्रीस और फ्रांस के जहाजों को उल्टे पैर भागना पड़ जाता है। हाल ही में तुर्की के जहाज के करीब आ रहे ग्रीस के 6 F-16 विमानों को तुर्की के लड़ाकू विमानों ने मार भगाया। तुर्की और ग्रीस के बीच दुश्मनी का एक लंबा इतिहास है। आधुनिक दौर में सन 1974 में ग्रीक समर्थित सैन्य तख्ता पलट के जवाब में तुर्की ने साइप्रस में सैन्य चढ़ाई कर दी थी। तुर्क राष्ट्रपति का कहना था कि अंकारा ऊर्जा स्रोतों को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। तुर्की के ग्रीस और यूरोपीय देशों के साथ तनाव बढ़ने के दौरान तुर्क सेना क्षेत्र में 5 दिवसीय जंगी अभ्यास कर रही है। इसको लेकर नाटो का कहना है कि तुर्क और ग्रीक अधिकारी तकनीकी वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। हालांकि ग्रीक अधिकारियों का कहना है कि एथेंस वार्ता के लिए तैयार नहीं है, जिससे तुर्की के वे दावे सिद्ध हो रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि यूरोपीय देश विवाद को वार्ता द्वारा सुलझाने की बजाय आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। हाल ही में ग्रीस ने भूमध्य सागर में कई यूरोपीय देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था। तुर्की की एक समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि अंकारा ने सीरिया सीमा से बख्तरबंद कर्मियों के वाहक को तैनात कर दिया है। तुर्की की ओर से 40 टैंकों को उत्तर पश्चिम तुर्की में सीरिया की सीमा से एडिरन ले जाया जा रहा है। ट्रकों पर लदे बख्तरबंद वाहन इस ओर इशारा कर रहे हैं कि तनाव काफी बढ़ गया है। सभी पक्षों ने क्षेत्र में अपने प्रतिस्पर्धी दावों का दावा करने के लिए नौसेना और वायुसेना तैनात कर दी है।